Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So once again, I am Smriti here. Welcome to Maths class. In our last video, we learned about abacus. Last video में मैम ने आपको क्या पढ़ाया था? Abacus के बारे में पढ़ाया था. So before starting my topic, firstly we will revise our previous topic. So abacus क्या होता है? Yes, abacus is an instrument with which we can count the numbers and understand the place value of each digit in a number. Abacus एक instrument होता है जिसमें हम numbers को count कर सकते हैं और place value find कर सकते हैं. So today I am going to teach you greater than, less than and equal to numbers. So before starting my topic, I want to ask some questions. So are you ready? Okay. My first question is, which is the sign of greater than? ग्रेटर देन का साइन क्या होता है? यस, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द साइन ऑफ लेस देन? लेस देन का साइन क्या होता है? यस, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन. नाउ टेल मी, व्हिच इज द साइन ऑफ इक्वल टू? यस, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू. सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन मेक द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू बाय यूजिंग आवर फिंगर्स. So, आज मैम आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हैं. आप सब सुनना चाहेंगे? यस. सो आपको अच्छे से स्टोरी को सुनना है, तभी आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू नंबर समझ में आएंगे. सो द स्टोरी इज, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ पैट क्रोको. एक बार एक पैट क्रोको होता है. आप क्रोको देखेंगे, क्या होता है? यस, पैट क्रोको. सो एक बार एक पैट क्रोको होता है, और वो जो ये क्रोको है ना, इसको क्या पसंद होता है? जहां पर बहुत ज्यादा चीजें होती है, ये क्रोको ना वहीं मूव करता है, ऐसे 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 करके उन चीजों को खा लेता है. अब क्रोको ऐसा क्यों करता है? क्योंकि क्रोको को क्या लगी होती है? भूख लगी होती है. जब हमें भूख लगती है तो हम भी खाना खाते हैं. ऐसे ही जो क्रोको है ना, वो बहुत हंग्री और उसे भूख लगी है, और वो वहीं जाता है जहां पर उसे बहुत सारी चीजें खाने को मिलती हैं. जहां कम होती है ना क्रोको, वहां नहीं जाता. सो जो क्रोको है वो बहुत सारी चीजें खाता है. ठीक है, तो कैसे मूव करता है, एक बार फिर से करके दिखाएं. ऐसे 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 फटाफट चला जाता है. ठीक है, और जहां पर कम होती है, थोड़ी होती है, वहां पर क्रोको नहीं जाता. वो ऐसे मूव करता करता वापिस टर्न कर जाता है. सो अभी मैम आपको कुछ दिखाने वाली है. ठीक है, सो आई होप आप सबने ये जो देखी है, मैम ने आपको क्लिप दिखाई है, उसमें क्या था? उस क्लिप में जो क्रोको है वो बहुत भूखा था ना, और उसको जहां पर वहीं ज्यादा चीज दिखती थी वो वहीं पर चला जाता था. अब क्रोको को क्या पसंद था? आपने क्लिप में देखा, क्रोको को मिठाइयां और केक पसंद था. जैसे हमें भी केक अच्छा लगता है ना, वैसे ही क्रोको का फेवरेट क्या था? केक था. तो अब आपने उसमें देखा था, जहां पर लड्डू थे उसमें लड्डू और केक दोनों चीजें दिखाई थी. क्या कर रहा था क्रोको? जहां पर एक साइड 2 लड्डू थे और एक साइड 4 लड्डू थे, तो जहां पर ज्यादा लड्डू थे, 4 थे, है ना, क्रोको वहां पर फटाफट से मूव कर गया और उन लड्डुओं को खा गया. ऐसे ही जब केक थे, 1 साइड 1 केक था और 2nd साइड 3 केक्स थे, उसमें भी क्रोको फटाफट से कैसे गया, ऐसे 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 करके चला गया और उसने 3 केक्स खा लिए, है ना. तो क्रोको को वहीं जाना पसंद था जहां उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं. ठीक है, सो अभी आपने क्या सीखा? जो क्रोको है, जब वो अपना माउथ ओपन करता है ना, आपने वीडियो में देखा ना, क्रोको जब अपना माउथ ओपन करता है तो कैसे कैसे साइन दिखता है उसको? वेरी गुड, ऐसे ऐसे. तो विच साइन इज दिस, ये कौन सा साइन हो जाता है? ग्रेटर. तो जहां पर भी ज्यादा चीज होती है, सपोज ये लड्डू है ना, तो अब क्रोको 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 अपना माउथ ओपन करता है और उस लड्डू को खा लेता है. ऐसे खा लेता है. तो जब क्रोको माउथ ओपन करता है तो कौन सा साइन बनता है? यस, ग्रेटर देन. कौन सा साइन बनता है? ग्रेटर देन. तो ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन. क्रोको ने माउथ क्लोज कर लिया.
जब ओपन करा तो ग्रेटर देन। सो इसी तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। यस, तो जब हमें भी कोई नंबर बिग दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है, तो हम क्रोको की तरह फटाफट से अपना डिजिट का माउथ ओपन कर देंगे, ऐसे बनाते हैं ना ग्रेटर देन का साइन, इसी तरह से, ताकि जो भी हमारी नंबर है वो उस माउथ में चला जाए, इस तरह से। ठीक है, तो लुक एट द बोर्ड नाउ, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो फिल इन द ब्लैंक्स वेयर, ये जो साइंस हैं, इन साइन का यूज करके हमें ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। सो नंबर्स आर 87, 87, 82, 82। अब हम अपने क्रोको को वापस बुलाएं। यस, बुला लेते हैं। अब हमारा क्रोको जो है वो आ गया। अब क्रोको कहाँ जाएगा? यस, कौन सा नंबर, कौन से नंबर ज्यादा है, 82 और 87? क्रोको, क्रोको आ रहा है, आ रहा है। क्रोको को लग रहा है 87 नंबर ज्यादा है, तो क्रोको इसी नंबर को खाएगा, है ना। तो इस तरह से कौन सा साइन बनेगा? यस, ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पर साइन बनाए ग्रेटर देन का, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। अब हम फिर से क्रोको से पूछ रहे हैं, क्रोको क्रोको बताइए 35 और 35 विच नंबर इज ग्रेटर। अब हमारा क्रोको कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है कि ये तो दोनों नंबर सेम टू सेम है, 3, 3, 5, 5। क्रोको क्या कह रहा है, मुझे तो नहीं पता। तो इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू। कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल टू। चलो क्रोको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, क्रोको कह रहा है कि नंबर 16 और 10 में से नंबर 16 ज्यादा है, तो क्रोको फटाफट 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 जाएगा और इसको खा लेगा। तो विच साइन इज ग्रेटर देन, लाइक दिस। अब नंबर क्या है नेक्स्ट, 62, 26। अगेन विच साइन वी विल यूज, ग्रेटर देन। क्रोको ने 62 को ईट कर लिया। नाउ 59 एंड 95, अब क्रोको टर्न हो गया, ऐसे टर्न हो जाता है क्रोको, कह रहा 95 को ईट करेगा, सो वी विल यूज दिस साइन। नाउ कम, अब क्रोको को हम भेज दें, अब हम खुद से बताएंगे, क्रोको आप चले जाओ। चला गया क्रोको, ठीक है, क्रोको घर। अब हम खुद से सॉल्व करेंगे, 55, 55, 11। सो हमने तो 55 की तरफ समूह माउथ अपना ओपन कर दिया, और 55 नंबर जो है वो इसमें चला जाएगा। 42, 42, 45, 45, विच नंबर इज ग्रेटर, वेरी गुड, 45। सो अभी हम जिस नंबर की तरफ ग्रेटर होगा हम उसी तरफ माउथ को ओपन कर देंगे, अपना माउथ ओपन करके दिखाएंगे सभी, कैसे करते हैं आ, तो जो सा नंबर बड़ा होगा हम अपने माउथ को उसी साइड ओपन कर देंगे, 30, 30, 90, 90। सो ग्रेटर नंबर इज 90। नाउ 15, 15, 15, बोथ द नंबर्स आर सेम, देन वी विल यूज इक्वल टू साइन, 21, 21, 12। नाउ 21 इज ग्रेटर, सो डन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब सब क्रोको की तरह से अपनी एक्सरसाइज को फटाफट से सॉल्व कर देंगे। नाउ इन द सेम वे यू कैन सॉल्व पेज नंबर 134 इन योर मैथ्स बुक, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो तब तक के लिए क्रोको की तरह अपनी एक्सरसाइज को फटाफट से सॉल्व करेंगे, अपनी मम्मा से चेक कराएंगे, और मैम आपको क्या देंगी फिर, स्टार। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक।